अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम मैनु विदा करो जी मैनु विदा करो मेरे यार। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चेतन। मैं यहाँ मुंबई फिल्म एकेडमी में अपना प्लेबैक सिंगिंग और क्लासिकल सिंगिंग सीख रहा हूँ। मुझे एक साल हुआ हो चुका है सीखते हुए, और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो सिंगिंग टीचर्स है बहुत ही एब्सोल्यूट मार्वलस सिंगिंग सिखाते हैं। उदय कामत सर ये बहुत ही अच्छा वेस्टर्न प्लेबैक सिंगिंग सिखाते हैं, जो आपको हर एक छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें बताएगा वेस्टर्न म्यूज़िक के बारे में। वो हर एक बात आपको अच्छी तरह से सिखाएंगे, और उनके जो वेस्टर्न का म्यूज़िक कल्चर है उसका नॉलेज भी उनको बहुत अच्छा है। एक तो है उनका प्रैक्टिस लेना माइक पे, वो तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हमारी गलतियां समझ में आती हैं कि हम कहाँ गलत होते हैं, तो फट से पकड़ के हमारे सुरों में बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर देते हैं। कहाँ कोई फील नहीं होता, कहाँ फील लाना है, इन सब में वो बहुत हेल्प करते हैं। उदय सर जी स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं, जहाँ के आपको एक कहते हैं माइक कॉन्फिडेंस जो आता है वो एक प्रोवाइड करते हैं उदय सर जी। बेसिकली रितु मैम तो आगरा घराने की क्लासिकल सिंगर है, बहुत ही बड़ा नाम है, और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देती है क्लासिकल की, ज़रूर सीखना चाहिए उनसे। योगेश गंधर्व सर जी हैं बड़े एक बड़ा नाम क्लासिकल में, बहुत जिन्होंने जगजीत सिंह जी के साथ भी काम किया है, और बहुत ही अच्छे गज़ल और सूफी सॉन्ग्स सिखाते हैं। मैं सोचता हूँ कि डिक्शन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि गाने में अगर कोई वर्ड्स गलत हो जाए तो उस गाने को कुछ मायने नहीं होते। तो बेसिकली वर्ड्स पे जो गाने डिपेंड करते हैं, तो वर्ड्स भी क्लियर नहीं होंगे तो गाना कुछ मतलब नहीं होता। तो वर्ड्स क्लियर करने के लिए डिक्शन की है मैम लता जी, वो बहुत ही अच्छा डिक्शन सिखाती हैं। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, और अभी भी सीख रहा हूँ, सोच रहा हूँ और मेरा बढ़ाऊँ प्लान सीखने का, तो मेरा तो ये चल रहा है। क्लासिकल सिंगिंग सीखने के लिए तो जितने साल दो उतने कम ही है। एक वेस्टर्न म्यूज़िक, वेस्टर्न क्लासिकल, सेमी क्लासिकल सीखने के लिए एक दो ढाई साल भी बहुत है। आप बहुत मेहनत करेंगे उसमें तो आराम से हो जाएगा वेस्टर्न क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूज़िक। अगर आपका सिंगिंग बहुत ही अच्छा है तो आपको वेरियस चांसेस मिलेंगे। एक म्यूज़िक डायरेक्टर्स खुद आते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट करते हैं, फिर रियलिटी शोज़ है लाइक इंडियन आइडल, सारे गमापा, फिर आपका यूट्यूब चैनल है, आप खुद म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपना खुद का आवाज़ दुनिया को दिखा सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। फिर रील्स है, रील्स एक आज का बड़ा एक पॉइंट है, ट्रेंडिंग पॉइंट है, जो आप अपने आप को पूरा डेवलप कर सकते हैं सिंगिंग में। एडवर्टीजमेंट्स है, आपको एड्स मिलेंगे, कोई शोज़ रहेंगे लाइव शोज़ वो भी मिलते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। मैं आपके लिए एक गाना गा रहा हूँ जो है बालिका वधु फिल्म से, उसका नाम है बड़े अच्छे लगते हैं, और अगर आपको ये गाना पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम। हेलो फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट मूवी है अमर सिंह चमकीला, जिसमें अरिजीत सर ने जो गाना गाया है मैनू विदा करो, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। मैनू विदा करो जी मैनू विदा करो मेरे यार, मैनू विदा करो मैनू विदा करो जी, मैंने जाना है उस पार, तुम सभी पाक मगर पाप का दरिया में, मैनु विदा करो मैनु विदा करो जी, मैनु विदा करो मेरे यार।